नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देखे ना गाइस, मैं इसी तरह का ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो बनाने सिखाऊंगा। ये वीडियो में जो सारा इफेक्ट आप देखे ना, मैं इसी तरह का वीडियो एडिट करने सिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और इस वीडियो को हम एडिट करने वाले हैं VN एप्लीकेशन से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देन यहाँ से करना है कि अपना VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद देख सकते हैं इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देन यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ से फोटो का एक ऑप्शन मिलेगा, वीडियोस एंड फोटो का, उस पर फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से गैलरी आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ से एक फोटो को ऐड कर लेना जिस फोटो पर आप वीडियो एडिट करना चाहते हो। फोटो पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ एरो का चिन्ह मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। ये फोटो आपका VN एप्लीकेशन पे ऐड हो जाएगा। देन करना है क्या, ऊपर में एक ओरिजिनल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। 9:16 का रेशियो सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन वापस यहाँ से फोटो वाले लेयर पे क्लिक कीजिएगा। लास्ट में आना, देख सकते हैं यहाँ से आपका एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड हो चुका है। यहाँ से इसे डिलीट कर देना है। देन इसके बाद गाइस करना क्या है, इस पर फोटो वाले लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन इसके बाद वापस लास्ट वाले लेयर पे जाना है और यहाँ से एक डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस तरह से आपका वीडियो का ड्यूरेशन को आपको बढ़ा लेना है, जितना सेकंड का वीडियो एडिट करना चाहते हो। देन वापस यहाँ से करना क्या है, दोबारा इसी फोटो को ऐड करना है। ऐड करने के लिए वापस इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है या वीडियोस एंड फोटो पर क्लिक करना है। आपका यहाँ से गैलरी ओपन हो जाएगा, फोटो पर क्लिक करना है, यहाँ से उसी फोटो को ऐड कर लेना है। इसके बाद गाइस करना क्या है, इस नीचे में स्क्रॉल करना है, मास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से रिक्टेंगल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसे यहाँ से इस तरह से एडजस्ट कर देना है। देन इसके बाद करना है क्या, इस ऑप्शन को खींच के इस तरह से गोल कर देना है। देन यहाँ से ओके कर देना है और इसे यहाँ से मूव करके इस तरह से एडजस्ट कर देना है नीचे में। देन इसके बाद गाइस करना क्या है, इतना हो जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ से नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा एफएक्स का, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ से देख सकते हैं एक ब्लैक इफेक्ट है, एक वाइट इफेक्ट है, तो ब्लैक इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से इसे इंक्रीज करके पूरा वीडियो में कर दीजिएगा। देन यहाँ से अप्लाई टू ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, ये सारा वीडियो के लास्ट तक में जाके अप्लाई हो जाएगा। देन इसके बाद आप वीडियो प्ले करके देख सकते हो, कुछ इस तरह से आपका वीडियो तैयार हो चुका है। देन इसके बाद गाइस इसमें करना क्या है, अब इस छोटा वाला फोटो पर क्लिक करना है और इसे भी इंक्रीज करके वीडियो के लास्ट तक में इस तरह से रख देना है। देन इसके बाद गाइस करना क्या है, इसमें एक सॉन्ग को ऐड करना है। सॉन्ग को ऐड करने के लिए यहाँ से देख सकते हैं एक सॉन्ग का आइकॉन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से माय म्यूजिक पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से म्यूजिक लाइब्रेरी पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से आपका जो डिवाइस का, जो मोबाइल का गैलरी है डिवाइस का, वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से जिस भी सॉन्ग को लेना चाहते हो यहाँ से चूज करके यूज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। इस तरह क्लिक कीजिएगा, आपका ये सॉन्ग जो है ऐड हो जाएगा। देन इसके बाद करना है कि जितना मिनट का, जितना सेकंड का सॉन्ग रखना है इस तरह से इंक्रीज करके यहाँ से ओके कर देना है। ओके हो जाने के बाद गाइस इसमें एक चैनल लोगो ऐड करना है, जो भी चैनल लोगो आप बनाए होंगे उसे ऐड कर दीजिएगा। जिस तरह से फोटो आप ऐड किए आपके गैलरी में सेव होगा तो आप ऐड कर दीजिएगा। देन इसके बाद यहाँ से वीडियो प्ले करके देख सकते हो, कुछ कुछ इस तरह से आपका वीडियो बनकर तैयार हो चुका है। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अच्छे से सीख पाए होंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। देन इसके बाद करना क्या है, वीडियो बन जाने के बाद गाइस करना क्या है, अब इसको वीडियो को सेव करना है, एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए करना क्या है, यहाँ ऊपर राइट साइड में ऊपर में कॉर्नर में एरो का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से बिट रेट को हाई कर दीजिएगा। देन यहाँ से ओके कर दीजिएगा, आपका वीडियो जो है वो गैलरी में जाके सेव हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेना है, आपका ये वीडियो सेविंग हो रहा है। देन यहाँ से करना क्या है, देन यहाँ से करना क्या है, सेव ओनली में क्लिक कर देना है, आपका ये वीडियो सेव हो जाएगा। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सीख पाए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि और भी मैं इसी तरह का ट्यूटोरियल वीडियो लाता रहता हूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।